एवरीवन, नमस्कार एंड सलाम। कैसे हैं आप सब? आ गई हूं मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो जैसा कि आपने देखा होने वाला है फ्रिज क्लीनिंग से रिलेटेड। फ्रिज क्लीनिंग इज़ द मस्ट बिकॉज दिस इज़ द प्लेस वेयर वी कीप ऑल आवर फूड। तो जितना भी हम अपना फूड स्टोर करते हैं ऐसी जगह को तो साफ़ रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ। क्लीनिंग तो हम सभी करते हैं, बट वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट वे जिसमें हमारा टाइम कम लगे और हमारी मेहनत कम लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला रूल है, जिस भी चीज़ को हमें साफ़ करना है पहले उसको खाली कर लें। तो मैं फ्रिज को सबसे पहले सब सामान निकाल के खाली कर लेती हूँ। जितना भी सामान है आई एम ट्राइंग टू पुट इट ऑन द किचन काउंटर टॉप, बट मेरे पास किचन में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई एम जस्ट क्रिएटिंग द स्पेस। तो मैंने लिविंग रूम में टेबल पर एक पेपर लगा दिया है और उसके ऊपर मैं सब सामान रख रही हूँ। ये देखिए फ्रिज की कंडीशन। तो अब सारी की सारी चीज़ें हम निकाल लेते हैं। सब ड्रोर मैट्स को निकालने के बाद मैं फ्रिज की शेल्फ भी निकाल रही हूँ। सारे अटैचमेंट निकालने के बाद फ्रिज को साफ करना बहुत ईजी हो जाता है। इन सबको वॉश करना पड़ेगा सबसे पहले, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ एक लिक्विड सॉल्यूशन जो कि है एमवे से। फ्रिज की चीज़ों को क्लीन करने के लिए हमेशा स्पंज का ही यूज़ करें, क्योंकि दूसरे स्कॉच ब्राइट से उनके ऊपर स्क्रैच आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट इस तरह से साफ़ करने से उनकी चमक यूँ ही बरकरार रहती है। तो सिंक के ऊपर पहले मैंने रख लिया है एक ये सिंक रैक। इससे बहुत सारी चीज़ों को साफ़ करना काफ़ी आसान होता है। बहुत सारी एसेसरीज़ ऐसी होती हैं हम डायरेक्ट सिंक में नहीं रख सकते, लेकिन अगर ये आपके पास है तो आपका पानी भी आराम से फ़्लो करता है और आपको क्लीन करना भी बहुत इजी रहता है। तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ जब भी कोई इस तरह की चीज़ें वॉश करती हूँ तो सिंक रैक नीचे रख कर ही क्लीन करती हूँ। बहुत हेल्पफुल बना देता है ये चीज़ों को। ये देखिए इस तरह से अगर मैं इस शेल्फ को डायरेक्ट सिंक में रखती हूँ तो मुझे स्क्रैच आने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, बट इस तरह से मैं इसको प्लेस करके आसानी से वॉश कर सकती हूँ। तो सभी को इस स्पंज से क्लीन करने के बाद साथ ही मैं वॉश करके रख देती हूँ एयर ड्राई होने के लिए। चीज़ों को साफ होते देखना में भी एक अलग ही तरह का सेटिस्फेक्शन होता है। और फ्रिज को तो टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करते हैं तो बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया अंदर पनपना शुरू कर देते हैं। तो एक रूटीन आपको बनाना चाहिए फ्रिज का भी, 14 डेज पर और 1 मंथ में, वट एवर इज़ योर रिक्वायरमेंट। जितने दिन में आपका फ्रिज गंदा होता है आपको उसको क्लीन करने का एक रूटीन बना के रखना चाहिए। तो ये देखिए सब साफ़ करने के बाद अब मैं उनको एक स्पंज मोप से साफ़ कर रही हूँ। सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लें इनको। माइक्रोफाइबर क्लोथ का यही बेनिफिट है, इससे स्क्रैच नहीं आता है और ना ही किसी तरह का रुआ दिखता है। अब करना है मुझे फ्रिज को अंदर से क्लीन। तो मैं कोई क्लीनिंग सॉल्यूशन नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैंने विनेगर और हॉट वाटर के साथ घर पर ही एक खाली पड़ी बोतल में इस तरह से सॉल्यूशन बना लिया है जिसकी मदद से मैं अंदर से फ्रिज को क्लीन करने वाली हूँ। विनेगर डालने से हमारा फ्रिज ऑर्डर फ्री रहता है, किसी भी तरह की ऑर्डर इसमें नहीं आती है, बदबू नहीं आती है, बैक्टीरिया वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो कोई भी आपको क्लीनिंग सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही इस तरह को बना सकते हैं। बस आपको 1/4 कप विनेगर लेना है और बाकी का आपको हॉट वाटर डाल लेना है। जब भी आप फ्रिज क्लीन करें अपनी गैसकेट को भी अच्छे से चेक कर लें, अगर यहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी है तो इसको क्लीन ज़रूर कर लें। कि देखिए मैं पूरी ही गैसकेट को क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जब भी फ्रिज साफ़ करती हूँ इसको ज़रूर क्लीन करती हूँ। उसको क्लीन करके मैंने धो के रख दिया है और अब मैं कर रही हूँ अपना फ्रीज़र क्लीन। फ्रीज़र को भी मैं उसी सॉल्यूशन से साफ़ कर रही हूँ। बहुत ट्राई करती हूँ मैं हर बार ये ट्रे निकालने की, बट ये मुझसे निकलती ही नहीं है। तो इसको मैं ट्राई करती हूँ इसी तरह से बड़े अच्छे से साफ़ कर दूँ। ये देखिए ऑलमोस्ट मेरा फ्रीज़र भी क्लीन हो गया है। अब मैंने बाकी की गैसकेट जो साफ़ की थी वो वापस से लगा दी है। बहुत ही ईजी है इसको लगाना। इससे क्या होता है, एक तो हमारे फ्रिज की लाइफ बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होती है अगर आपकी गैसकेट प्रॉपर लगी है तो। ये देखिए नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली। अब मुझे लगानी थी अटैचमेंट जो सूख चुकी थी और जिनको मैं कपड़े से साफ़ कर चुकी थी। सबसे पहले शुरुआत किया मैंने फ्रीज़र से,
फ्रीज़र की ट्रे लगा दी हैं, साथ ही में लगा दिया है ये आइस मेकर। अब मैं लगा रही हूँ बाकी की कांच की शेल्फ। इनको स्ट्रेट पोजीशन में लगाना बहुत ज़रूरी है, जो भी इनका ऊपर की तरफ दिया होता है नेम एंड टैग हमें उसी तरफ से लगाना चाहिए। सारी ही अटैचमेंट लगाने के बाद ये देखिए फ्रिज बिल्कुल एकदम से क्लीन हो चुका था, किसी भी तरह की बदबू नहीं थी इसके अंदर, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका था। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके फ्रिज से स्मेल आ रही है तो फ्रिज को ऑन करके उसके साथ अंदर बहुत सारे न्यूज़पेपर रख दें और आधे घंटे के लिए उसको छोड़ दें, वो न्यूज़पेपर सारी ही स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर आपके फ्रिज से किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी। तो मेरा फ्रिज इस तरह से देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका था। मैं इसको 15 से 20 दिन में इस तरह से क्लीन करती हूँ जिससे कि मेरा फ्रिज हमेशा ही चमकता हुआ रहता है, तो किसी भी तरह की मुझे दिक्कत नहीं आती है, किसी भी तरह के हार्ड स्टेन नहीं होते हैं। अब मुझे प्लेस करनी थी सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर, तो जितनी भी वेजिटेबल मैं स्टोर करके रखती हूँ जिस तरह से, वो सब मैंने इसके अंदर लगा दी हैं। इस तरह से क्लीन करने पर जितना भी लेफ़्ट ओवर अननेसेसरी फूड है वो भी हम निकाल लेते हैं, एक तरह से अच्छी तरह से मेंटेनेंस हो जाती है हमारे फ्रिज की। देखिए ऑलमोस्ट मैंने सारा सामान लगा दिया है, बट अभी भी कुछ सामान बाहर था। तो इस तरह के अंडर शेल्फ बास्केट है मेरे पास जिनमें मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखती हूँ, और सारे स्पाइसेस मैंने फ्रीजर में रख दिए थे। ऑलमोस्ट खाली है फ्रिज। ध्यान रखें जब भी आप विंटर में अपना फ्रिज क्लीन करें तो इसकी सेटिंग भी चेंज कर लें विंटर के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड फ्रिज के लिए अच्छी नहीं रहती है। विंटर में जैसे ही टेम्परेचर की सेटिंग दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेना चाहिए। तो ये देखिए फ्रिज पूरी तरह से सेट हो चुका था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू।